हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सब लोगों का इस नए ब्लॉग में। और आज का ब्लॉग हम जा रहे हैं कैमरा ख़रीदने। वैसे कैमरा तो मेरे पास ही है, लेकिन काफ़ी टाइम हुआ है मेरे को वीडियो बनाते, आपने देखा होगा यूट्यूब पे, तो मुझे लगा कि एक और कैमरा ख़रीद लेना चाहिए मेरे को। सो चलते हैं आज एक कैमरे की ढूंढ में और मिलता हूँ आपको वहीं पर। फाइनली मैंने जो कैमरा ख़रीद लिया है, जैसा कि आप देख सकते हैं, ये कैनन 800D का। ये मैंने जो है कैनन के ऑथराइज डीलर से ख़रीदा है। डीलर से लेने का एक फ़ायदा ये है कि आप उनके साथ अलग सा बार्गेन कर सकते हो। सो बेसिकली ये मेरे को पड़ा है ऑलमोस्ट $1100, इंडिया का लगभग 55,000 रुपी के लगभग। पहले मैं ख़रीदा था G7 Mark II, लेकिन उसका आउट ऑफ फोकस जो बहुत ज़्यादा जाता है, इसलिए मैंने यही लिया। मैं दिखाता हूँ आपको, इसके अंदर है 24.2 मेगापिक्सल कैमरा है, इसमें 12 पिक्सल फोटो फोकस टेक्नोलॉजी है। जैसे आप किसी गेम की रिकॉर्डिंग करें तो उसके लिए बहुत बेस्ट है ये। और फिर इसमें वाईफाई कनेक्ट है, ब्लूटूथ कनेक्शन है, और इसमें जो ग्रोस फोकस आउट ऑफ पॉइंट होते हैं, जो किसी चीज़ को मतलब फोकस करते हैं एकदम, वो 45 पॉइंट है इसमें, जो कि बहुत ज़्यादा है। और एक स्क्रीन रोटेट है इसकी। सो मैं आपको दिखाता हूँ इसको क्या क्या इसके अंदर। पहले हमको मिला है ये गाइड इसका, और इसके बाद ये चार्जर, बैटरी का चार्जर, इसको मैं रखता हूँ यहीं पे। उसके बाद ये स्ट्रैप लटकाने के लिए, कैमरा बाद में निकालता हूँ। उसके बाद है ये बैटरी, कैनन की बैटरी जो कि काफ़ी महंगी मिलती है ओरिजिनल। और उसके बाद है कैमरा, तो ये है हमारा कैमरा कैनन 800D, इसमें PTI भी कहता है। और इसके साथ मिला मेरे को सेट के साथ एक लेंस, जो कि स्टैंडर्ड ऑलमोस्ट सभी कैमरा के साथ मिलता है, 1855 mm का। इसमें स्टेबलाइजर ऑन ऑफ का भी ऑप्शन है, जैसे आप पिक्चर लेते हैं तो उसमें शेपनेस नहीं आती, एकदम स्टेबल रहता है। ये कैनन का कैमरा है, बॉडी का बॉडी है, इसको ढक्कन रिमूव करना पड़ेगा। और ये इसको लॉक करना पड़ेगा, क्लिक हो गया समझो, ये सही हो गया। अगर इसको हमें खोलना है तो ये बटन है यहाँ पे, इसको दबा के इसको घुमाएंगे तो ये खुल जाएगा। तो जैसे आप यहाँ पर रेड बटन दिख रहा है, तो इसका ये वाइट है, ये ऑलमोस्ट एक ही लेंथ में रहते हैं। तो इसको रख के हम यूँ घुमाएंगे, ये देखिए, और टर्न करेंगे, क्लिक और समझो लॉक हो गया। इसका लेंस है 1855 का। और यहाँ पर इसकी स्क्रीन जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसकी आप दिख रही होगी आपको, इसी वजह से मैं इसको लिया है, क्योंकि मेरे पास स्क्रीन वाला कैमरा नहीं था। अभी जिसे मैं कर रहा हूँ रिकॉर्डिंग, वो GoPro Hero 7 है, जिसे मैं देख नहीं सकता। सो ये इसकी स्क्रीन रोटेट होती है, देखिए 360 ऑलमोस्ट, सॉरी 270। यहाँ पे इसका बटन है ऑफ ऑन, और ये यहाँ पे कैमरे का, और ऊपर ये यहाँ पर आ गया तो माइक्रो लगा सकते हैं या फिर लाइट लगा सकते हैं आप ऊपर से फोकस करने के लिए मूव। लेकिन मैं यहाँ पे जो है, मैं ब्लॉगिंग ही करता हूँ, तो मैं यहाँ पे जो है माइक्रोफोन लगाऊंगा, जिसका भी होगा बोया का रोड माइक होगी या फिर। और यहाँ पे ये जो बटन है, इसको आप दबाएंगे समझिए फ़ोटो में जाएगा। तो इसके एक और आगे और बटन आगे कर देंगे तो वीडियो चालू हो जाएगी, वीडियो रिकॉर्डिंग के लिए हमें एक बटन दबाना पड़ेगा जो कि यहीं पर है, जो कि फ़ोटो का बटन। आप इसे दबाएँगे तो वीडियो चालू हो जाएगी सर, ये देखिए वीडियो चालू हो। और अभी मैं जो रिकॉर्डिंग जो है GoPro Hero 7 से कर रहा हूँ, सो इसको मैं रिप्लेस करूँगा GoPro Hero 7 से, और देखेंगे कि किसमें क्लियरिटी अच्छी है उसमें है या इसमें। तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में जरूर बताना नीचे, कौन सा वीडियो क्वालिटी आपको अच्छी लगी, कौन सा कैमरे की।
सो गाइस अभी मैं शूट कर रहा हूँ कैनन 800D DSLR से, और पहले की वीडियो आपने देखी होगी वो थी इससे GoPro hero-7 से। सो वीडियो की क्वालिटी में क्या फ़र्क है बताना ज़रूर। वैसे कैमरा बेस्ट एक्शन कैमरा, जैसे आप स्पोर्ट्स राइडिंग बाइकिंग माउंट कर दो उसमें और इससे रिकॉर्ड कर सकते हैं आप। एकदम मतलब स्मूथ है स्टेबलाइजेशन इसका, मतलब आपकी फ़ोटो एकदम सॉफ्ट आएगी। सो मैंने DSLR इसलिए लिया है क्योंकि वीडियो बनाते काफ़ी टाइम हो गया मेरे को, और मेरे को कहीं पे जूम या फिर कहीं पे वीडियो क्वालिटी में इम्प्रूव करने को काफ़ी लोगों ने कहा था, तो इसलिए मुझे लगा कि मुझे ख़रीद लेना चाहिए एक DSLR कैमरा, तो इसलिए मैंने ख़रीदा। और अब इसके जो बेसिक जो लेंथ हैं उनके बारे में मेरे को इतना नॉलेज नहीं, ना है मैंने कभी DSLR कैमरा यूज़ किया, तो जैसे जैसे यूज़ करूँगा शायद मुझे लगता है कि मुझे लेंस भी लेने पड़ेंगे जो कि 20mm या 10-18mm जो कि होते हैं चाहे, वो आगे देख करेंगे फिर। लेकिन अगर आपकी वीडियो अच्छी लगी और थोड़ा मेरा वीडियो छोटा मोटा अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। तो मिलते हैं अगले ब्लॉग में।